नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। शादी को लेकर युवाओं की मानसिकता में भारी बदलाव देखने में लगातार आ रहा है। समय के साथ बदल रही मानसिकता, साथ ही साथ मानव जीवन में आ रही आधुनिकता साफ तौर पर धरातल पर दिखने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि जब दो वयस्क एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवार, समुदाय या किसी भी संगठन की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा है कि अपनी पसंद की शादी या शादी का अधिकार वर्ग सम्मान या समूह सोच की अवधारणा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए दिशा निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में हुए एक मामला तब शुरू हुआ, लड़की के पिता ने गुमशुदा व्यक्तियों की शिकायत दर्ज की क्योंकि उसने एक व्यक्ति से घर पर बिना बताए शादी कर ली थी। यहाँ तक कि उसके ठिकाने और उसके विवाहित होने के तथ्य के बारे में जानने के बाद जांच अधिकारी ने दावा किया कि लड़की को बयान दर्ज कराने के लिए मूरा रोड पुलिस स्टेशन के सामने पेश होना पड़ेगा ताकि मामला बंद हो सके। इस शिकायत के बाद दाम्पत्य ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि जांच अधिकारी आईओ लड़की को अपने गृह नगर कर्नाटक में वापस लाने के लिए कह रहा है, अन्यथा पुलिस उसके परिवार से संपर्क करेगी और उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया जाएगा। जांच अधिकारी के आचरण की आलोचना करते हुए पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आईओ से परामर्श करना है बल्कि पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारी अगले 8 हफ्ते में इस मामले की कार्रवाई करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर रहे हैं जो समाज के लिए पहले के मापदंडों से अलग है, जहां जाति और समुदाय ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। संभवतः यह आगे का रास्ता है जहां इस तरह के अंतर विवाह तनाव को कम करेंगे और जाति समुदाय में, लेकिन यह सच है कि इन सब के बीच इन युवाओं को बड़े से खतरे का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन युवाओं की मदद के लिए देश की अदालतें आगे आ रही हैं। अदालत के पहले के न्यायिक उच्चारण के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवार या समुदाय या कैबिनेट की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब दो वयस्क व्यक्ति एक व्यवस्थित विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत हों, साथ ही उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में यह भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति की पसंद गरिमा का एक अभिन्न अंग है। अदालत ने कहा कि वर्ग सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के कारण ऐसे अधिकारों या विकल्पों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद लड़का और लड़की दोनों बालिग होते हैं और वो लोग स्वतंत्र होते हैं कि आपस में किस शादी कर लें या वो कहीं भी शादी करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि बालिग लड़का या लड़की अपने मन से, अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी शादी कर सकता है। सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया है जिसमें कि उनका कहना ये है कि अगर लड़का और लड़की एडल्ट हैं तो उनको शादी के लिए किसी और की पारिवारिक सदस्य के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सर सर इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, उनको तो फंडामेंटल राइट है जी, हर मेजर आदमी जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसमें एक ये भी राइट है जी, फंडामेंटल राइट है। क्या आदमी अपनी मर्जी से एडल्ट होते हुए कर सकता है शादी? तो ये तो हमारा पहले से हमारा अधिकार है शादी करना। जिस तरीके से सर संज्ञान में मामले आते हैं कि अगर कोई भी एडल्ट शादी के लिए उनकी फैमिली राजी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस, ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, वो कहीं कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जैसे कि टेक्निकली इस चीज़ को मैंने आपसे कंफर्म किया, टेक्निकली उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो सर उसी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये कहना है सर कि अगर कोई भी एडल्ट कपल शादी करना चाहता है तो उसको सर क्या किसी तरीके की परमिशन की ज़रूरत इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद है या नहीं है सर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जी।
कोई जरूरत नहीं उसको परमिशन। तो सर टेक्निकली क्या करना चाहिए उनको? भाई जो हमारे पुराने लोग हैं उनका अपना वो रूढ़िवादिता है, जात के है, ये है। जब आज के जमाने में वो सब खत्म हो रहा है तो फिर उसमें उसके अगर वो एडल्ट है, नाबालिग है तो अलग बात है, एडल्ट है तो वो अपनी समझ रखते हैं, उनकी कंसेंट है तो किसी और की कंसेंट से क्या मतलब है। और एडल्ट आदमी जो भी अपने लिए करेगा उसका वो स्वयं का जिम्मेदार है, उसमें कोई भेद नहीं है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।